हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक केस स्टडी बिरसा मुंडा एंड देयर रिवॉर्ड इन छोटा नागपुर। बिरसा मुंडा इज नेम विद ग्रेट रेस्पेक्टेड एज वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर इन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंसी अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनाइज्म। जो ब्रिटिश कॉलोनाइज्म था उसके अगेन क्या हुआ था, इंडिपेंडेंसी के लिए फाइट की गई थी। ठीक है, तो जो ये जो बिरसा मुंडा थे एक फ्रीडम फाइटर थे, एक ग्रेट मैन थे जो उन्होंने फाइट स्टार्ट की थी। हिज अचीवमेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल बिकम इवन ग्रेटर। जो उन्होंने काफ़ी ग्रेट फ्रीडम की थी, काफ़ी स्ट्रगल किया था, कंसीडर ही एकम्प्लाइज हिज बिफोर हिज 25th ईयर के थे अपने, इनकी जो एज थी 25 ईयर थी और इस एज में ही इन्होंने इतना स्ट्रगल किया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। बिरसा डिवोशन ऑफ हिज पीपल वॉज सच दैट ही वॉज ऑलमोस्ट रिवर्ड एज गॉड बाई हिज फॉलोवर। जो लोग थे वो इन्हें क्या मानते थे, बिरसा जो थे उनको लोग क्या मानते थे, अपना भगवान मानते थे। ठीक है, वो लोग ये सोचते थे कि जो बिरसा है ना वो एक भगवान की तरह है, वो सारी सभी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देंगे, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। बिरसा बॉर्न इन 1879। बिरसा जो थे उनका जो जन्म हुआ था वो 1879 में एक पुअर, उनके जो फादर थे बहुत गरीब थे। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू फाइंड द जॉब, वे जॉब ढूंढने के लिए जगह जगह गए। एज एन एडोलसेंट ही हैड हियर्ड टेल्स ऑफ मुंडा अपराइजिंग ऑफ द पास्ट एंड सा द लीडर ऑफ कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल टू रिवॉर्ड। उन्होंने जब जगह जगह घूमे तो उन्होंने जो भी ये रिवॉर्ड्स वगैरह हुए थे इनके बारे में काफ़ी कुछ सुना था, और जो मुंडाज वगैरह थे उनके बारे में भी काफ़ी कुछ देखा क्योंकि वो उसी कम्युनिटी से जुड़े थे, तो उन्होंने काफ़ी उनके बारे में सुना था। जो अपराइजिंग हुई थी मुंडा अपराइजिंग उसके बारे में भी उन्होंने सुन रखा था। बिरसा वेंट टू अ लोकल मिशनरी स्कूल, वो लोकल मिशनरी स्कूल में भी गए एंड हियर देयर स्पीच और लेक्चर, वहाँ पर उन्होंने स्पीच और लेक्चर सुने। ही वेंट टू द जर्मन मिशन स्कूल, वो जर्मन मिशन स्कूल्स में गए। हियर ही वॉज ट्रांसफॉर्म इन टू अ फाइटर, ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो गए, फाइटर्स में। लेटर वीसा एसोसिएट हिमसेल्फ विद द वैष्णव, वीसा ने अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लिया, वैष्णव पे कन्वर्ट कर लिया। ही रोड सिक्योर थ्रेड एंड विगन द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योरिटी एंड प्योरिटी। उन्हें अपनी मतलब उन्हें जो है बाद में एक प्योरिटी और प्योरिटी की इम्पोर्टेंस को समझ में आई। तो क्या हुआ, वन ऑफ एम ऑफ हिज मूवमेंट वॉज टू रिफॉर्म ट्राइबल सोसाइटी अर्जिंग द मुंडाज टू गिव द ड्रिंकिंग लिक्वर क्लीन देयर प्लेस एंड स्टॉप बिलीविंग इन विच कार्ड। इन 1896 ही आज हिज फॉलोवर टू रिकवर देयर ग्लोरियस पास्ट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को बताया कि मतलब वो उन्होंने अपने आप को ये श्योर किया कि मैं एक भगवान का दूत हूँ और मैं तुम लोगों को मतलब सारी प्रॉब्लम्स तुम लोगों की सॉल्व करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने जो लोग थे उनको बहुत मानते थे, ठीक है, जो वो कहते थे उन्हें फॉलो करते थे। उन्होंने क्या किया, उनके लोगों की कंडीशंस को सुधारा, गाँव को साफ किया, ठीक है, और उनका जो पास्ट था, जो भी उनका पास्ट हुआ था उसको रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मूवमेंट वाज, जो बिरसा मूवमेंट्स था उनका पॉलिटिकल एम था वाज ड्राइव अवे मिशनरीज, मिशनरीज जो थे ना उनको ड्राइव कर रहे थे वो, मनी लैंडर्स, ट्रेडर, हिंदू लैंडलॉर्ड एंड द गवर्नमेंट एंड टू स्टेबलाइज द मुंडा राज। तो उससे क्या होता, मुंडा राज को स्टेबलाइज किया जा रहा था। दे वर द काउज ऑफ मिशनरी ऑफ द मुंडाज, वो क्या था, मिशनरी कौन होते हैं, जो ये ब्रिटिश लोग होते हैं ना उनको बोलते हैं मिशनरीज। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टेकिंग अवे देयर लैंड, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, उनको उनकी जमीनों को ले रही थी। एंड मिशनरीज वॉज क्रिटिसाइज द मुंडाज कल्चर, और जो मिशनरीज थे वो क्या कर रहे थे, उनके क्रिटिसाइज कर रहे थे मुंडा कल्चर को, मतलब मुंडा का जो कल्चर था वो चेंज कर रहे थे। ये जो थे ब्रिटिश बिरसा मुंडा, उन्हें कि न्यू रिलीजन, जो न्यू धर्म था एक, उसके बारे में बता रहे थे। इन 1894 द फेलर ऑफ द मानसून वाज वाइड स्प्रेड स्टर्वेशन एंड एपिडेमिक्स। जब 1894 में क्या हुआ, मानसून फेल हो गया, उसके साथ उसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। एज लीडर ऑफ द मुंडाज ही डिमांड द रिमिशन ऑफ फॉरेस्ट टैक्स। तो क्या होता था, इन लोगों को क्या करना पड़ता था, टैक्स, फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे उनको टैक्स भरना पड़ता था। तो मुंडाज से क्या हुआ कि ये जो थे आपके बिरसा मुंडा जो थे वो क्या थे, इनके सब इसके लीडर थे, तो उनको क्या करना था, टैक्स पे करना था। जब फसल अच्छी नहीं हुई थी, प्रॉब्लम आ गई थी मानसून की वजह से, तो उनको जो है टैक्स पे नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था 1895 में। द ब्रिटिश कैबिनेट हिम ऑन चार्ज
एंड रियोटिंग एंड जेल हिम फॉर 2 ईयर्स। और ब्रिटिश ने क्या किया, उन्हें पकड़ लिया, उनके ऊपर कुछ चार्ज लगाया और उन्हें जेल में 2 ईयर्स के लिए जेल में बंद कर दिया। व्हेन बिरसा वाज रिलीज्ड इन 1897, तो बिरसा जो थे 1896 में छूट गए। जब वो छूट गए, ही स्टेबलाइज अ किंगडम अंडर हिज लीडरशिप, तो उन्होंने अपना एक किंगडम बनाया अपनी लीडरशिप में। हिज फॉलोवर स्टार्ट टू अटैक द पुलिस स्टेशन, और जो उनके फॉलोवर थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पर, चर्च पर, वेड्स पर और प्रॉपर्टीज और ऑफ मनी लेंडर की प्रॉपर्टीज पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जब बहुत ज़्यादा लूटमार होने लगी काफ़ी, तो उनकी जो कम्युनिटी थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी, जो लोग जो उनके फॉलोवर थे वो सब जैसा वो कहते थे वैसे ही करते थे। तो जब मतलब जो आर्मी थी ना, मिलिट्री थी जो ब्रिटिश की, वो भी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थी। तब एक बार मतलब क्या हुआ था कि उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ने उन पर अटैक किया था, लेकिन वो जो है ब्रिटिश लोगों के हाथ में नहीं आ पाते थे। तो ब्रिटिश ने क्या किया, उनके ऊपर कुछ इनाम रख दिया था, उन्होंने उनका ऊपर 500 के का इनाम रखा था, ठीक है, जो उनका पता बताएगा उनको 500 रुपीज़ दिए जाएंगे। तो कुछ लोग जो उनके साथ के ही थे, उन्होंने ब्रिटिश लोगों को जाकर उनका एड्रेस दे दिया था और उन्हें अरेस्ट करा दिया था, ठीक है। हाउएवर द मुंडाज वर डिफीटेड बाय ब्रिटिश, मुंडाज जब ब्रिटिश से हार गए थे, द बिरसा मुंडा वाज अगेन अरेस्टेड, तो फिर उन्हें जब उनका पता बता दिया था तो वो फिर से क्या हो गए थे, अरेस्ट हो गए। ही डाइड इन रांची जेल, रांची जेल में उनकी डेथ हुई थी अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस। अब ये मतलब जो है उनकी जो डेथ हुई थी, जो ब्रिटिश लोग थे उनका कहना यह था कि उनकी डेथ कॉलरा की वजह से हुई है, जबकि कुछ लोगों का कहना यह है कि ब्रिटिश लोगों ने पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए उन्होंने उनको पॉइजन दे दिया था। उनको खून की उल्टियाँ हुई थी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। द मूवमेंट हैड टू इम्पॉर्टेंट रिपरकशन, जो टू डिस्कर्स निकले थे इसे, फर्स्ट था द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू पास द लॉ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया था दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी ईजली टेकन अवे बाय द आउटसाइडर, मतलब जो ट्राइबल्स की लैंड है उसको कोई भी आउटसाइडर, मतलब जो डिकूज लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं, जैसे आपके हमारे यहाँ ब्रिटिश लोग हो गए या कोई भी लैंड लॉर्ड हो गए, लैंड लॉर्डर्स हो गए, जमींदार हो गए, ये सब जो होते हैं ये इनकी ज़मीन को नहीं ले सकते हैं। सेकंड, द ट्राइबल पीपल हैड द कॉरेज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंजुरियस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपका सम अदर ट्राइबल रिवॉर्ड्स, कुछ और भी ट्राइबल्स रिवॉर्ड्स हुए थे, ठीक है। हमें जो ये फ्रीडम मिली है वो ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए काफ़ी रिवॉर्ड्स हुए थे। सबसे पहले ये ट्राइबल्स लोग थे, इन लोगों ने इनके अगेंस्ट रिवॉर्ड करना स्टार्ट किया था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल सेवरल आदिवासी रिवॉर्ड्स टुक प्लेस इन उड़ीसा, कुछ आदिवासी रिवॉर्ड्स हुए थे उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट में। द सिग्निफिकेंट वन इंक्लूड्स द पैक रिवेलियन इन 1870, कुमसर अप्राइजिंग 1836-56 एंड द सामलपुर रिवॉर्ड ऑफ 1857-604, ठीक है। ये क्या है आपके रिवेलियंस हैं जो आपके नॉर्थ ईस्ट में हुए थे, 1800 जो नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट हुए थे, ठीक है। यहाँ पर सब ट्राइबल मूवमेंट्स हैं और उनकी डेट्स हैं फ्रॉम मतलब 1765 से लेकर 1819 तक, जो भी आपके रिवॉर्ड्स हुए ना उसकी डिटेल है यहाँ पर। ये ट्राइब्स हैं और ये सब इनके ईयर्स हैं जब इन्होंने मूवमेंट्स किया था, ठीक है। इसको रीडिंग कर लीजिएगा आप इनकी। नेक्स्ट है आपका द खासिस लिविंग इन आसाम एंड द प्रेजेंट डे इज मेघालय, जो खासिस है जो आसाम में थे एंड प्रेजेंट डे में वो कहाँ पर है, मेघालय में। रिवॉल्ट एज द ब्रिटिश वांटेड टू द कंस्ट्रक्ट अ रोड विच पास थ्रू द लैंड ऑफ खासिस, द नागा रिवॉल्ट इन 1849, कुकीज इन 1829, खासवार इन 1870, कांचा नागास इन 1870। ये सब क्या है, रिवॉल्ट्स हैं जो मतलब टाइम टाइम पर हुए थे यहाँ पे, ठीक है, जो इनके अगेंस्ट मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट हुए थे। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रेवल्स लोगों को परेशान करा था, तो हर एरिया के जो ट्रेवल्स थे उन्होंने क्या किया था, रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था। इन द हिली ट्राइवल्स ट्रैक द आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश के ट्रेवल्स थे, रिवॉल्ट ब्रॉक आउट द अगस्त 1922, उन्होंने अगस्त 92 में रिवॉर्ड्स ब्रॉक किया था, लेड बाय एलोरी रामचंद्र राजू, बेटर नॉन ए सीताराम राजू भी बोलते हैं उनको। द एडवेसिस ऑफ द आंध्र हिल्स सक्सीड इन द ड्रॉइंग ऑफ ब्रिटिश इन टू द फुल स्केल गुरीला वार, अनेबल टू कॉप द ब्रिटिश ब्रॉड इन द मालवार स्पेशल फोर्स टू क्रस्ट इट एंड ओनली वॉन देयर एलूरी राजू वाज किल्ड। तो उसमें क्या हुआ था, ये इसमें फाइटिंग हुई थी ना, तो ये जो एलूरी राजू थे ये क्या हो गए थे, इनकी डेथ हो गई थी, ये मारे गए थे, ठीक है। एज द फ्रीडम मूवमेंट फाइडन एड ट्रू आदिवासी इन टू ऑल एस्पेक्ट
ऑफ द स्ट्रगल मैनी लैंडलेस एंड डीपली अपरसिव आदिवासी ज्वाइन हैंड टू द अपर कास्ट फ्रीडम फाइटर एक्सपेक्ट दैट द डिफीट ऑफ ब्रिटिश वुड यूजर्स इन न्यू डेमोक्रेटिक इरा। देखिए इसमें क्या हुआ था, जो फ्रीडम मूवमेंट्स हुए थे, बहुत सारे फ्रीडम मूवमेंट्स हुए थे, जो यहाँ पर काफ़ी सारे फ्रीडम मूवमेंट्स को डिटेल में बताया भी गया है, ये सब जो थे एक चीज के ब्रिटिश के अगेंस्ट हुए थे। ब्रिटिश लोगों ने हमारे जो इंडिया के लोग थे उनके साथ बहुत ज़्यादा उनका शोषण किया, उन्हें परेशान किया, जिसकी वजह से उन लोगों को रिवॉल्ट करना पड़ा, बहुत से लोगों की जाने गई, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए, तब जाके हमें जो है फ्रीडम मिली। ये जो रिवॉल्ट थे वो सबसे पहले स्टार्टिंग ट्राइबल्स से किए थे, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर बहुत सारे और भी रिवॉल्ट हुए थे, ठीक है। 1857 की क्रांति आई थी, इसको हम जो स्ट्रगल हुआ था 1857 में, उससे हम 1857 में, तो उसको हम नेक्स्ट लेसन में एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। योर लेसन कम्प्लीट, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। थैंक यू।